नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। लखनऊ के सनसनीखेज कमलेश तिवारी हत्याकांड को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सुलझाने का दावा किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें हत्या का मास्टरमाइंड रशीद पठान भी शामिल है। ये तीनों गिरफ्तारियां गुजरात के सूरत से हुई हैं। तीनों आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस का कहना है कि हत्या की वजह उनका भड़काऊ भाषण है। कमलेश तिवारी ने 2015 में धर्म विशेष को लेकर ऐसी टिप्पणी की थी जिसकी वजह से उन पर रासुका के तहत कार्रवाई हुई थी। लेकिन इन तमाम बातों के बीच कमलेश तिवारी की एक फेसबुक पोस्ट खूब वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने मुसलमानों को लेकर बड़ी बात कही है। कमलेश तिवारी ने यह पोस्ट हत्या से एक दिन पहले ही की थी। उन्होंने 17 अक्टूबर की रात एक फेसबुक पोस्ट लिखी थी जिसमें उन्होंने फोन कॉल्स को लेकर खुलासा किया था। कमलेश ने इस पोस्ट में बताया कि उनकी हिंदू समाज पार्टी को अब तक 80 राजनीतिक दलों से गठबंधन का प्रस्ताव मिला है जो उन्हें समर्थन देने की बात करते हैं। कमलेश ने यह पोस्ट गुरुवार रात करीब 8 बजे लिखी थी। कमलेश ने लिखा कि 80 राजनीतिक दलों ने हिंदू समाज पार्टी से गठबंधन का प्रस्ताव अब तक भेजा। सच में 75 दलों को तो हमने तब जाना जब उनका प्रस्ताव आया। हम फला पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहा हूँ। मेरा जवाब होता है कि क्या आपकी पार्टी मुसलमानों भारत छोड़ो आंदोलन में साथ देगी? यदि साथ देकर लड़ सके तो हम गठबंधन कर लेंगे। इसके बाद फोन नहीं आते। कमलेश ने इस पोस्ट में भी मुसलमानों को लेकर कमेंट किया है। इसके बाद उन्होंने ट्विटर पर भी कुछ पोस्ट शेयर की है। इनमें एक पोस्ट में 16 मंदिर मस्जिद की सूची जारी की है जिसमें यह जिक्र किया गया है कि ये मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई है। इस सूची में अयोध्या राम मंदिर का नाम 6 स्थान पर है जबकि पहले वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर और बिंदु माधव मंदिर को जगह दी गई है। आपको बता दें कि कमलेश की हत्या के बाद भी इन पोस्ट पर लोग कमेंट कर रहे हैं।